62 celebrities, including actress Kangana Ranaut and writer-lyricist Prasoon Joshi, on Friday came out with a counter-open letter slamming an earlier open letter submitted to Prime Minister Narendra Modi by 49 film personalities, which expressed concern over the growing number of lynchings across India. One among 62 celebrities is director Vivek Agnihotri, who has questioned the selective outrage and false narratives that the earlier letter allegedly propagates. देखिए, दो दिन पहले करीब 49 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी और उनने बोला ये हम पॉलिटिक्स से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारा एक इंसान की तरह और एक क्रिएटिव फिल्म मेकर की तरह से दिल धड़कता है जब मुसलमान लोगों की लिंचिंग होती है. ऐसा उन्होंने अपनी चिट्ठी में मोटा मोटा इस तरह की बात करी है और जय श्री राम का नारा लगा के लोगों को मारा जाता है, जो मेरी नज़र में, मैं दिन रात हिंदुस्तान में घूमता हूँ, जो झूठ है. ये जो जय श्री राम के नारे लगाने की बात जो शुरू हुई है, ये भी एक्चुअली इसका प्रिल्यूड था, वो ट्रेलर था, और इसके बाद ये चिट्ठी आनी ही आनी थी, क्योंकि आप देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सारे नारे झूठ निकले. दूसरी बात जो है, ये कहना कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को लिंच किया जाता है, पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि आप देखिए जब से मिस्टर मोदी की नई गवर्नमेंट बनी है, तब से जो 5-6 लोगों की जो लिंचिंग हुई है, उसमें मैक्सिमम नंबर तो हिंदू लोग हैं, उनमें दलित लोग भी हैं, और जब मुस्लिम लोग दलित को मारते हैं तो कोई नहीं बोलता है ये बात कि क्या बोलते हैं मुस्लिम्स ने दलित को मारा है. ये बेसिकली सारी पॉलिटिक्स मिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट है. ये लोग 2002 से मिस्टर नरेंद्र मोदी को एक ऐसा पेंट करना चाहते हैं इंटरनेशनली कि ये कोई राक्षस आ गया है जो कि माइनॉरिटी को मारने में लगा हुआ है, और जो पूरी तरह से गलत नैरेटिव है. मेरा ऐसा विश्वास है कि गरीब लोगों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव में रहने वाले लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर माइनॉरिटी के लिए पिछले 5 साल से अच्छा कोई वक्त था नहीं. इसीलिए आप देखिए कि उनकी मेजॉरिटी बढ़ के आई है और इस बार उनको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने भी वोट किया है. तो ये मैं फॉल्स नैरेटिव के अगेंस्ट हमने चिट्ठी इसलिए लिखी है ताकि लोगों को समझ में आए कि एक असली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और जो जनता है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेके खुद डिसाइड करे कि सच क्या. सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स.